जिम्नास्टिक्स मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए तो भगवान है, क्योंकि मेरी पहचान जिम्नास्टिक्स से बनी है। अदरवाइज मैं भी एक आम इंसान होता जो स्कूलों में सीखता है, कॉलेज करता है, फिर नौकरी करता है, फिर फैमिली को संभालता है। लेकिन आज जिम्नास्टिक का कोच होने की वजह से आज पूरे देश में मेरी एक पहचान बनी है, लोग मुझे पहचानते हैं, बड़े बड़े लोग सर करके रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिम्नास्टिक्स के बिना रह ही नहीं सकती, ऐसा हो गया है। मतलब मैं नहीं आऊँगी ना जिम में तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब रहेगी और मैं जिम में आऊँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। अगर एक दिन भी नहीं किया फिर ऐसे लगता है नहीं अभी तो जाना चाहिए, अभी बहुत टाइम हो रहा है। इट्स ऑल आई हैव नोन सिंस आई वाज लाइक 5 इयर्स ओल्ड। इट्स समथिंग दैट इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड आई लव इट। आई थिंक मैंने बचपन से सारे स्पोर्ट्स खेले, वो भी DSO लेवल पे, बट एक भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जितना जिम्नास्टिक्स जितना एक्साइटिंग है। बहुत अर्ली एज से बाहर की दुनिया देखने मिली है और जो सब एक्सपीरियंस हम लोग को जब हम बड़े होते तब मिलते हैं वो अभी से ही मिले। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि हम लोग ने जिम्नास्टिक के बारे में सोचा नहीं है। आई कैन नॉट कम टू द जिम, आई थिंक इट्स एवरीथिंग फॉर मी। जो मिला है मुझे वो जिम्नास्टिक के वजह से मिला है और आगे भी जो मिलेगा वो जिम्नास्टिक के वजह से ही मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी जिम्नास्टिक्स की वजह से डेवलप हुई है, जैसे लोगों के सामने परफॉर्म करना रहता है तो जिम्नास्टिक्स की वजह से वो एक चीज़ सीखने मिली। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से सीख रही हूँ, मतलब सीख चुकी हूँ, सीखना बाकी है। जिम्नास्टिक एकदम बचपन से किया है, सब देखते हैं कैसे स्ट्रगल किया है हम लोग के सीनियर प्लेयर्स ने, तो अभी कुछ तो चेंज लाना चाहिए, तो इसके लिए जिम्नास्टिक से दूर जाना मतलब इम्पॉसिबल ही लगता है। ये जिम्नास्टिक्स उनकी सांस है, तो अगर जिम्नास्टिक्स को उनसे अलग किया जाए तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है और दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एनीवेयर। इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट इज देयर लाइफ ओनली।